दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक और, जहां उनकी पार्टी के नेता आंदोलन कर रहे हैं, जेल का जवाब वोट से अभियान चला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे में उसका इस्तीफा ले लिया जाता है, लेकिन कुर्सी और बंगले का मोह केजरीवाल को पद छोड़ने नहीं दे रहा है। केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान चला रहे हैं। आपके नेता अपने मुख्यमंत्री को पाक साफ बताते हुए जेल का जवाब वोट से देने की बात कह रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि जिन्होंने दिल्ली वासियों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल और मुफ्त बिजली देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री को बीजेपी ने झूठे मामले में जेल में डाल दिया है। आज दिल्ली के लोग तैयार हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के सरकारी स्कूल को शानदार बनाने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बसें फ्री यात्रा देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 200 बिजली फ्री देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे फर्जी केस में फंसा कर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के लोग इनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं। वही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब तक अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी और बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसों से बनाया है, वो ये पद छोड़ने नहीं दे रहा है। कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में अगर कहीं पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा देके छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बड़े बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहा। और कल तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में अंधे हो रहे हैं और वो लालच जो है वो दिल्ली में प्रशासनिक संकट पैदा कर रहा है। केजरीवाल जेल में हैं और अपने मातहतों को तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। सड़क पर उनके कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी केजरीवाल को सीएम पद छोड़ने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों ओर से बयानों को लेकर शह और मात का खेल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।